बच्चों सबसे पहले आपके पास मैं एक इम्पोर्टेंट अपडेट लेके आया हूँ कि जितने भी बच्चों ने जेई एडवांस 2024 के एग्जाम दिया था उसको आप बच्चे वेबसाइट पे जाएंगे, जेई एडवांस सबसे पहले साइट ओपन करेंगे, तो जेई एडवांस की साइट को ओपन करने पर आपके पास इस तरह का पेज ओपन होकर के आएगा। इस तरह का बच्चों जब पेज ओपन करके आएगा तो आपको यहाँ पर एक लिंक दिखाई देगा जिसमें लिखा हुआ है कैंडिडेट रिस्पॉन्स। तो बच्चों आपको उस लिंक को क्लिक करना है और लिंक को क्लिक करने के बाद एक कंफ्यूजन क्रिएट होता है। सारे बच्चे उसमें रोल नंबर डालने हैं, जेई मेंस का एप्लीकेशन नंबर डालना है लॉगिन करने के लिए, तो बच्चों आपको ये सब नहीं डालना है, वो ओपन नहीं होगा। आप क्या करेंगे, जेई एडवांस का एप्लीकेशन नंबर डालिए जो एम से स्टार्ट हो रहा होगा और वो लिखा होगा आपके एडमिट कार्ड पे। ध्यान से देखिए, एडमिट कार्ड पे एक एम से स्टार्ट होने वाला आपके पास एक रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ है, वही आप इसमें डालेंगे। इसके अलावा बच्चों आपको क्या करना होगा, सिर्फ मोबाइल नंबर डालने की भी जगह होगी और मोबाइल नंबर वो वही वाला डालना है जो आपने अपना जेई मेंस का एप्लीकेशन फॉर्म भरते हुए डाला था। तो उसको बच्चों डाल के जब आप ओपन करेंगे अपनी डेट ऑफ बर्थ वगैरह डाल के तो आपके पास आपकी ओएमआर शीट निकल करके आ जाएगी। ठीक है, तो उससे बच्चों आप चेक कर सकते हैं और जिन बच्चों के पास अगर आंसर की नहीं है वो मेरे को पर्सनली कमेंट सेक्शन में डाल करके या मेरे से टेलीग्राम में कॉन्टेक्ट करके हमसे आंसर की भी ले सकते हैं अपनी ओएमआर शीट को, रिस्पॉन्स शीट को चेक करने के लिए। इसके अलावा बच्चों आपके पास कई सारे तरह के इसमें नोटिस भी आ चुके हैं, जैसे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपके पास यहाँ पर एक शेड्यूल भी लिखा हुआ है। तो बच्चों मैं आपको बता दूं, जिस दिन जेई एडवांस का रिजल्ट पब्लिश होगा यानी कि 9 तारीख को, 9 जून को जिस दिन जेई एडवांस का रिजल्ट पब्लिश होगा उसी दिन आपको ये लिंक भी एक्टिवेट कर दिया जाएगा शेड्यूल वाला। तो उस शेड्यूल पर जब आप जाएंगे तो उस आपको दिखाई देगा कि इसमें जोसा की काउंसलिंग कंडक्ट की जाएगी और जोसा की काउंसलिंग का जो आपके पास शेड्यूल होगा वो हमारे हिसाब से आपको 10 जून को पूरा आ जाएगा, मतलब 10 जून से आपकी जोसा की काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। और जोसा की काउंसलिंग में बच्चों आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको 2 राउंड दिए जाएंगे, वो आपको मॉक राउंड दिए जाते हैं। मॉक राउंड यानी कि आप अपने अकॉर्डिंग कॉलेजेस फिलअप करेंगे और आपको उस मॉक राउंड का रिजल्ट दिया जाएगा, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं टेंटेटिव कि आपको कौन सी IIT या कौन सी NIT IIIT सेंट्रल यूनिवर्सिटी मिलने वाली है। उसके बाद बच्चों आपको अपनी फाइनल चॉइस फिलिंग करनी होगी मॉक राउंड के बाद, और फाइनल चॉइस फिलिंग करने के बाद आपके पास ये रिजल्ट आता रहेगा अप टू 6 राउंड तक। ध्यान रखिए बच्चों, जब आप फाइनल चॉइस फिलिंग करेंगे तो फाइनल चॉइस फिलिंग बहुत ही सोच समझ के करिएगा। अगर आपको ना समझ में आए आप मेरे से ही कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको पूरा गाइड करूंगा। क्योंकि बच्चों अगर आपने एक बार भी गलत चॉइस फिलिंग कर दी तो आप उसको 6 राउंड तक चेंज नहीं कर सकते हो, ये एडिटेबल नहीं होती, क्योंकि बच्चों उसमें लगातार अपग्रेडेशन चलते रहते हैं तो ये एडिटेबल बिल्कुल नहीं होती है। इसलिए जब आप फाइनल चॉइस फिलिंग करेंगे आफ्टर मॉक राउंड के बाद तो उसके लिए अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो मेरे से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मेरा नंबर आपके पास पहले से ही है, या आप मेरे से टेलीग्राम पे भी डाउनलोड करके पूछ सकते हैं। तो बच्चों ये एक इंपॉर्टेंट सा अपडेट था। सारे बच्चे सबसे पहले जाएंगे जेई एडवांस की वेबसाइट पे और इस लिंक को क्लिक करेंगे, लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद आपको आपका मनचाहा IIT भी मिल जाएगा। थैंक यू।